करता हूँ पाई नेटवर्क को लेकर। देखिए पाई में बहुत ज्यादा दिन से लोग लगे हैं, घबरा चुके हैं कि सर पाई लिस्टिंग अभी किसी एक्सचेंज पे नहीं हुआ, कहाँ लिस्टिंग होगा। तो भाई एक बात तो 100% है कि लोग जो है मन में हजार तरह का ख्याल रखते हैं, मगर आज मैं गुड न्यूज बताना चाहूंगा। 100% मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज पे आएगा ही आएगा, और खुद का अपना भी बनाने का प्रयास कर रहा है, खुद का अपना ब्लॉकचेन है इसका, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये। मैं बोला था ना कि छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बड़ी प्रोजेक्ट है, इस पे काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है, जो टाइमिंग दिया गया है उसी के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा आपको जो है खुशखबरी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सबसे पहले जो टाइम दिया गया है ना केवाईसी करने के लिए, उसका जो है कीजिए, मगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो आप ही का लॉस चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कि ये किराए पे पानी फिर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पाई में आप माइनिंग कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं टीम, तो अपने टीम को भी जागरूक करना पड़ेगा, उनका भी केवाईसी करना पड़ेगा, आपका भी केवाईसी करना पड़ेगा, मोबाइल वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर माइनेट पूरा कंप्लीटेड नहीं हुआ तो बुझिए कि आपका नहीं हो पाएगा। तो माइनेट ये जो है लॉन्च करने वाले हैं फाइनली, माने लॉन्च ओपन माइनेट, लॉन्च का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं लिस्टिंग करना, और जितने ज्यादा केवाईसी का एवरेज बढ़ेगा उतने ज्यादा लिस्टिंग होने का चांस बनता है। तो भैया मेरे ये बात है कि यहाँ पे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, पाई जो है कुछ करेगा, क्योंकि खुद का ब्लॉकचेन है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, तो हो सकता है कि खुद का एक्सचेंज दे गया है, ये भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। दूसरी बात, इसका कोई प्रोजेक्ट छोटा मोटा नहीं है, वर्ल्ड वाइड में है, हर कंट्री में चलता है, छोटा कंट्री बड़ा कंट्री हर जगह देखने को मिलेगा। तो ये भी बात सोचने समझने वाली बात है कि जब हर कंट्री में देखने को मिलेगा तो हम क्यों घबरा रहे हैं। इसमें लोग ये भी कहते हैं कि हमारा 5 साल तक वक्त बीत गया, अभी तक कहीं जो है लिस्टिंग देखने को नहीं मिला। ये बात आपका कहना सच है, क्योंकि देखिए लिस्टिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और अभी भी लिस्टिंग नहीं आ रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें वक्त और टाइम तो लगेगा ही, मगर देखिए एक बात तो 100% है कि जो आदमी लिस्टिंग नहीं किया वो किसी एक्सचेंज पे दिखा भी रहा है तो फिलहाल में उसका $30 से अबव है, $30, $40, $45, तो आने वाला दिन में हो सकता है कि बिटकॉइन को भी पीछे करे, क्योंकि देखिए इसका सब कुछ अपना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी के पीछे नहीं भागना है। तो भाई ये समझ लीजिए कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है तो उसके लिए तो वक्त देना पड़ेगा, और इसका अच्छा खासा प्राइस भी है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा प्राइस है। तो इसमें लोग ये कहते हैं कि बाग टैप करके माइनिंग करके, तो भाई दिमाग खराब हो गया है, इसका आने का कोई चांस नहीं है। तो भाई एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, पाई आएगा इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जो आप समझ रहे हैं कि आएगा मिलेगा ये होगा वो, ऐसा नहीं, थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा, इसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, घबराने से नहीं होता है, करने से होता है। बेटर है कि घबरा जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी में किसी को ले जाकर सेल कर देंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पे पछताएंगे, तो ये भी काम नहीं करना है। तो ये भाई सोच समझ के काम कीजिए, एक एक पाई का कीमत वहां बन सकता है, अगर एक पाई का 3,000 है तो बुझिए कि आपका 100 पाई का 3 लाख समझ लीजिए, अगर एक पाई का कीमत अगर आ गया 4,000-5,000 तो बुझिए कि 10 पाई का कितना हो जाएगा। तो भाई सोचने समझने वाली बात है, कहीं भी घबरा जाने से कुछ नहीं होता है। ये जो है अपना प्रोजेक्ट पे बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा काम नहीं हो रहा है, आपको डेली बाय डेली अपडेट दे ही रहे हैं। आप पाई माइनिंग कर रहे हैं, वहां पे कोई अपडेट आता है तो लाइव देख भी करते हैं। तो भाई ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे है, कोई नेशनल लेवल पे नहीं है कि हमारे इंडिया में है, नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे हर प्रोजेक्ट सेल बाय किया जा रहा है, ये भी एक इतिहास रचेगा, ऐसी बात नहीं है, इसका टक्कर बिटकॉइन से चलेगा, ये बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है अगर ये चाह दे तो, नहीं चाहे तो अलग बात है, नहीं बता सकते, मगर अगर चाह दे तो बिटकॉइन को भी पीछा छोड़ सकता है, अच्छा खासा प्राइस दे सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जो करना है कर लीजिए। मगर मैं इतना जानता हूँ, जो लोग भी ये बात कहते हैं मेरी ओपिनियन सुन लीजिए, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि बिटकॉइन का कभी भी पीछा नहीं दे सकता, इसकी कम्युनिटी ज्यादा है, वर्ल्ड लेवल बहुत ज्यादा लोग हैं, जाहिर सी बात है कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भाई सेल बाय करने का कीमत आप समझ रहे हैं। तो देखिए जुबान है, आसानी से लोग कह देते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर भाई वक्त और टाइम लगता है। तो भाई बेटर है कि इंतजार कीजिए, हो सकता है कुछ हो जाए, मगर मैं इतना जानता हूँ कि देखिए मेरी ओपिनियन ये है कि भाई ये पाई कॉस्टली होगा, ये मत समझिए कि एकदम सस्ता आएगा,
अच्छा खासा प्रॉफिट देके ही जाएगा। इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता था। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना, इस तरह का अपडेट मिलते रहेगा, सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।